दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के 50वें मुकाबले के बारे में, जो कि पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 186 रनों का लक्ष्य दिया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा क्रिस गेल का, जिन्होंने 99 रनों की पारी खेली। वहीं अगर पंजाब की पारी की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम को पहली ही ओवर में पहला झटका लगा, जब मनदीप सिंह बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और क्रिस गेल के बीच 5 ओवर में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाज यहीं नहीं रुके, बल्कि गेल और केएल राहुल ने तेजी से 100 रन की साझेदारी भी की। इस बीच पंजाब के लिए क्रिस गेल ने आईपीएल 2020 का तीसरा अर्धशतक भी जड़ दिया। गेल ने महज 33 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके बाद पंजाब को दूसरा झटका लगा केएल राहुल के रूप में, जो 46 रनों की सधी हुई पारी खेलकर आउट हो गए। उनको बेन स्टोक्स ने राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कराया। टीम को तीसरा झटका निकोलस पूरन के रूप में लगा, जो 22 रन बनाकर बेन स्टोक्स की गेंद पर राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।